कसाई नौशाद ने चाकू से भाभी और भैया को मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद एक साल के भतीजे का हाथ पैर काट डाला। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में रविवार को नौशाद नाम के एक व्यक्ति ने कसाई चाकू से अपने भाई और भाभी की हत्या कर दी और अपने भतीजे का भी एक हाथ और पैर काट दिया। इस बार की जानकारी पुलिस ने दी है। आपको बता दें, जिले के पुलिस अधीक्षक राम बदन सिंह ने बताया कि काजियाना के पहले वाले पेशे से कसाई नौशाद ने रविवार की शाम को घर में झगड़ा होने के बाद अपने भाई और भाभी की कसाई से कार में इस्तेमाल होने वाले चाकू से हत्या कर दी। उन्हें भदोही के अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। वहीं पूरी तरह से घायल बच्चा अस्पताल में जिंदगी से लड़ रहा है। एसपी ने कहा कि नौशाद ने पारिवारिक विवाद के बाद अपने भाई और भाभी पर मांस काटने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले तेज धार वाले चाकू से हमला किया और दंपत्ति को मौत के घाट उतारने के बाद अपने एक साल के भतीजे का भी एक हाथ और पैर काट दिया। यहाँ दो भाइयों के बीच का जो पारिवारिक झगड़ा था, उसमें नौशाद ने अपने भाई जमील को और उसकी पत्नी रूबी को चाकू से हमला कर दिया था, जो अस्पताल में गए और वहाँ पर उनकी दोनों की डेथ हो गई। साथ में इनके एक साल का एक बच्चा भी था, जिसको भी चोट लगी हुई है और वो अंडर ट्रीटमेंट है। ये घरेलू विवाद का मामला है और इसका पहले से कोई संज्ञान भी नहीं था, तो इसमें कार्रवाई की जा रही है। इसमें जो नौशाद है वो अपनी माँ के साथ फरार है और जल्दी पकड़ लेंगे उसको। अब इन सब के बाद चारों तरफ हड़कंप मच गया है। आपको बता दें, एसपी ने जानकारी दी है कि अपने घर में जंघंग अपराध करने के बाद नौशाद अपनी मां के साथ फरार हो गया। उन्होंने कहा, ये घरेलू विवाद का मामला है जो कि पहले से किसी के संज्ञान में नहीं था। इस केस में कार्रवाई की जा रही है, जल्दी ही सभी आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। मृतक के परिजनों में ऐसा कोई नहीं बचा है जो इसके बारे में कुछ जानकारी दे सके। आपको बता दें, जमील का साला जो कि बनारस से आया था, उसने पुलिस को ये बताया कि नौशाद जमील से घर छोड़ने को कहता था। एसपी रामबदन सिंह ने कहा, जमील के साले के मुताबिक इसी को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हुआ। वहीं डॉक्टरों ने बताया कि नौशाद के हमले में बुरी तरह से घायल बच्चे की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। अब आपकी क्या राय इस वीडियो को लेकर, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। मैं अमन यादव, वीके न्यूज़, दिल्ली।